यहाँ से देखो कितना शानदार हो गया है। पहले ये था, हम रात में फर्स्ट टाइम जा रहे हैं गाइस बाजार। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। हॉल में एक दिन पहले काम हो रहा था, फाइनल कंप्लीट हो गया। चलो मस्त दिखाते हैं। और जीने पे जो रेलिंग लगाया ना भाई, इसमें एक स्टील की पाइप निकली हुई थी, तो मस्त इसको बिल्डिंग कर दिया गया। ये देखो आप लोग निकालेंगे ना, ये पाइप नहीं निकलेगा। और ये जो कैप निकला था ना इस रॉड की, मस्त ये भी लगा दिया गया है और इसको बिल्डिंग भी कर दिया गया है। और आप लोग ना अब इसको हिलाओगे ना तब ये हिलेगा नहीं, मजबूती से हमने इसको बिल्डिंग करवाया है, समझ गई। बच्चे ना गाइस इसको पकड़ पकड़ के ऐसे हिलाते थे, और ये भी टूटा था तो मस्त ये भी गाइस बन गया है। हट जा भाई, ये देखो अब मजबूत हो गया ना, हिलाओ नहीं हिलेगा इसको ना गाइस। हाँ वो क्या है, इसे ना साफ किया जाता है, ठीक है हटा दो अब इसकी। हाँ ये कपड़ा है, जैसे रेलिंग पे मिट्टी लगी हुई ना, कपड़े से आप साफ कर देंगे ऐसे तो मस्त साफ हो जाएगा, ठीक है। और ये देखो ये अच्छे तरीके से गाइस बिल्डिंग हो गया है, तो अब शानदार हो गया भाई। क्योंकि पहले ना इस पे हम कपड़ा बांधे हुए थे, क्योंकि बच्चे जाते थे आते थे तो ऐसे हाथ लेके ना यूं नीचे करते थे, तो अब हाथ नहीं कटेगा, अब मस्त सेफ्टी हो गया है। और चलो मस्त दिखाते हैं, जो काम हो रहा था फाइनल कंप्लीट हो गया है। और इस पर्दे के पीछे क्या है आपको थोड़ा बहुत दिख रहा होगा, चलो मस्त दिखाते हैं भाई। और ये देखो मस्त इसको पैक कर दिया गया भाई। जानते हैं इसको क्यों पैक किया गया है, क्योंकि यहाँ से ना आसानी से बंदर आ जाते थे। और यहाँ पर ग्लास की जो डाइनिंग टेबल थी उस पर कुछ भी हम लोग खाने के लिए रखते थे ना, यहाँ से तुरंत लेके चले जाते थे और अंदर भी चले जाते थे भाई। तो इसलिए भैया और पापा सबको ही कह रहे हैं ना कि इसको ना पैक करवा देते हैं, क्योंकि कोई भी एनिमल्स या कोई भी हो यार, सेफ्टी के लिए जरूरी है कोई भी चीज़ लगाना। फिलहाल यहाँ से देखो कितना शानदार हो गया है। पहले ये था, सिर्फ रेलिंग था और रेलिंग के ऊपर जस्ट भाई ये देखो मस्त सेफ्टी कर दी गई है। और ये स्टील की क्या बोलते हैं इसको, पाइप बोलते हैं पर जाली भी बोल सकते हैं, तो ये सब जाली से ना पैक कर दिया गया है और अंदर नहीं जा सकते हैं। आप देख सकते हैं मस्त पैक हो गया है और शानदार भी हो गया है। और इसमें एक दरवाज़ा भी है भाई, आप पहचान रहे दरवाज़ा कहाँ है, दरवाजा ये है गाइस, ये देखो एक यहाँ पर भी है। वाह अरे रुक जा भाई, देखो मस्त इसको हम ओपन करते हैं। ये देखो भाई साहब बीच में गाइस हम लोग दरवाजा इसलिए खोले हैं, अगर कोई सामान हमको लेना होगा ना तो आसानी से ना हम नीचे से ले सकते हैं। अगर ये दरवाजा नहीं होगा तो हम कोई भी सामान नीचे से ना हम नहीं ले पाएंगे। जैसे आप इधर देख सकते हैं पूरा पैक है, तो यार अगर कोई भी हमको सामान लेना होगा तो भाई यहाँ से हम ले ही नहीं पाएंगे। अगर कोई चौड़ा सामान होगा भाई निकल ही नहीं पाएगा, तो इसलिए भैया फैमिली सब कह रही थी कि बीच में एक दरवाजा रहेगा तो सही रहेगा, कोई भी चीज हम लोग आसानी से ना नीचे से ऊपर ले सकते हैं। और पहले हम पर्दा हटाते हैं भाई, कहाँ चला गया यार। हाँ मस्त ये रहा, अब दिखाते हैं भाई। और अब देखो भाई कितना शानदार लग रहा है, और बीच में दरवाजा है और मस्त अच्छे तरीके से इसको हमने पैक कर दिया है, तो काफी बढ़िया लग रहा है और अब डर नहीं है। और अब हम लोग यहाँ पे कुछ भी रख देंगे ना तो कोई भी एनिमल्स नहीं आ सकता है, एनिमल्स कौन सा है, बंदर ही आते हैं सब, तो बंदर के लिए मस्त कवर हो गया है, तो काफ़ी बढ़िया हो गया यार। चलो मस्त इसको बंद कर देते हैं यार। घर के पास में जो खेत है भाई, उस खेत में आज से 7 दिन पहले एक छोटा सा आम का पौधा हम लगाए थे, तो चलो देखते हैं भाई वो पौधा हरा है कि नहीं। अरे यार चलोगे हमारे साथ? हाँ। चलो भाई, क्योंकि हम जो भी पौधा लगाते हैं भाई वो पौधा सूख जाता है, तो चलो देखते हैं वो पौधा हरा है कि नहीं। क्या हुआ, चोट लगी क्या? चलो तब जाओ इसको। हाँ चलो, अरे चलो भाई साहब पौधा चलो देखते हैं यार। आपको पता ही है जो पौधा हम लगाते हैं वो पौधा सूख जाता है, पर वो भाई साहब ये देखो कितना शानदार हरा हो गया है। अली जा आराम से चलना, पौधा तोड़ना मत, ठीक है। ओ भाई साहब गाइज हम जो पौधा एक हफ्ता पहले लगाए थे फाइनली वो पौधा हरा है, ये देखो काफ़ी शानदार है यार। इसमें पत्ते अभी सूखे नहीं हैं, क्योंकि हमने अच्छे तरीके से इस आम के पौधे को लगाया है, और जितना इस आम के पौधे को गड्ढे की आवश्यकता थी हमने मस्त गड्ढा किया और गड्ढे में आम का पौधा लगाया। और आप देख सकते हैं आपके सामने ये आम का पौधा अभी भी मस्त, जैसे एक हफ्ता पहले आम का पौधा था ताज़ा, वैसे अभी भी। छोड़ दो वो हल्का फुल्का सूखा है पत्ता, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो अब देखते हैं भाई, अभी तो एक हफ्ता हुआ है इस पौधे की, अभी हमें इंतज़ार करना है लमसम 1 महीना, क्योंकि अगर इसको सूखना होता ना तो अब तक सूख गया होता। और
धूप भी काफी तेज हो रही है तो पौधा काफी शानदार है। और अलीजा संभल के आना, देखना इस नींबू के पौधे में ना कांटे हैं, आपके शरीर में लगे ना, ठीक है? हाँ आ जाओ, हाँ आराम से आओ। नींबू है यार, ये कौन तोड़ा है भाई? अरे यार ये देखो, और कहाँ है वो भाई साहब? वहाँ है यार, और भी है क्या? नहीं और तो नहीं दिख रहे हैं। और मम्मा कह रही है ना भाई, ये सागन के जितने आपको पौधे दिख रहे हैं ना, और ये जो डांड इधर उधर निकला है इसको काटने के लिए मम्मा कह रही हैं, और ये शीशों पे डांड इधर उधर हुआ है ना इसको भी मम्मा कह रही हैं काटने के लिए। हम भाई काट नहीं पा रहे हैं, लेकिन किसी ना किसी दिन आएंगे इस पौधे को मस्त अच्छे तरीके से काट देंगे। चूँकि देखो ये सब हमको काटना है, ये जितने हुए हैं ना भाई ये सब हम काट देंगे तो पौधा और तेज़ी से ऊपर की तरफ बढ़ेगा। चलो वाली जा, बढ़िया। क्या है नेबुआ? जाने दो नेबुआ, पता नहीं कैसे टूट रहा है यार। हवा से टूटेगा ये नेबुआ, देखो भाई एक वहाँ पर भी टूटा हुआ है। गाइस हम रात में फर्स्ट टाइम जा रहे हैं गाइस बाजार, वो भी आटा लाने के लिए, क्योंकि जिस मशीन पे हम गेहूँ लेकर जाते हैं ना, कल का हमने गेहूँ रखा है, वहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा रहता है ना, तो एक दिन बाद हमें मिलता है, तो कल का हमने गेहूँ रखा था, तो चलो मशीन पे चलते हैं भाई और देखते हैं अपना गेहूँ पीस गया है कि नहीं, क्योंकि आटा घर में नहीं है भाई। और हमारे साथ एक और लड़का जा रहा है, इसका नाम, आपका नाम क्या है? इंजमामुल हक। इंजमामुल हक, तो चलें? चलिए। चलो भाई। और आप देख रहे हैं भाई काफी अंधेरा हो गया है भाई, रात में कहीं पर भी हम जाते हैं यार बहुत अच्छा लगता है भाई। हम सोचते हैं रात में कहीं जाए ना, सफर करें, बाइक चलाए, फोर व्हीलर चलाए, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब जरूरत पड़ता है तभी जाते हैं भाई। और देखो अभी जरूरत पड़ा है तो हम जा रहे हैं बाजार आटा लाने के लिए। गाइस इस बोरे में मेरा वाला कौन सा है भाई? हमने नाम नोट किया है यार, बोरा सेम रहता है ना तो पता नहीं चलता है भाई कौन सा है भाई। यार इसमें तो ज़्यादा दिख रहा है भाई, मेरा नाम अर्शद। अर्शद कहाँ है यार, पता नहीं चल रहा है भाई। हाँ ये रहा, मेरा नाम अर्शद है, तो हमने बोरे में नोट किया हुआ है। और इसमें आएगा 37 किलो। ये देखो जमा, आटा की बोरी सही से पकड़े हो ना, गिरे कि नहीं ना, आप सही से बैठे हो ना, सब सही है भाई। सो आई होप गाइस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पे ना हो तो सब्सक्राइब करना, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।